तक का टेम्परेचर पहुंच जाता है और छोटी सी चौकी पर रात को रुकना आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं इस चौकी पर जरूर मैं रुकूंगा। मैं अनुभव करना चाहता हूं कि हमारा यह जवान किन विपरीत परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए देश की सुरक्षा कर रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति उस कड़कड़ाती ठंड में सुबह के समय स्नान करने का साहस जुटा पाना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत देर तक मैं सोचता रहा, कड़ाके की ठंड है, पानी भी बहुत ही ठंडा है, कैसे मैं स्नान करूं, लेकिन स्नान करना आवश्यक था, इसलिए मैंने पंछी स्नान की औपचारिकता वहां पर पूरी की थी। पंछी स्नान आप नहीं जानते होंगे, आपने देखा होगा पंछियां केवल पानी को छू कर निकल जाती हैं, उसी को पंछी स्नान बोलते हैं। और इस तरीके से मैंने उस दिन अपना स्नान किया था। मैं इस डुंगती बीओपी के अतिरिक्त अभी हाल में ही उत्तराखंड की अग्रिम चौकियों, नाम सुना होगा आपने माना, रिमखिम, लफथल, इन चौकियों पर भी मैं गया। मैंने स्वयं उन कठिन परिस्थितियों का अनुभव किया है जिसमें आप जैसे बहादुर जवान काम करते हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपका मनोबल जहां सदैव ऊंचा बना रहता है, वहीं पर आपके समर्पण की भावना में भी रंश मात्र भी हमें कभी भी कोई कमी देखने को नहीं मिली है। मेरे बहादुर जवानों, मैंने यह भी अनुभव किया है कि चाहे जितनी भी सुविधाएं आपको मुहैया क्यों न करा दी जाएं, बराबर आपके डीजी आईटीबीपी श्री आर के पचनंदा आग्रह करते रहते हैं कि हमारे जवानों को यह सुविधा मिलनी चाहिए, वह सुविधा मिलनी चाहिए, हम लोग प्रयत्न भी अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चाहे जितनी भी सुविधाएं आपको क्यों न मुहैया करा दी जाएं, वह अपने में पर्याप्त कदापि नहीं कही जा सकती है। वैसे हमारी सरकार फोर्स की ऑपरेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। अभी हाल में ही 50 नई बीओपीज बनाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, शीघ्र ही उस संबंध में भी निर्णय किया जाएगा। मैं यह भी जानता हूं परिवारजनों को रहने के लिए हाउसिंग सेटिस्फैक्शन लेवल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन प्रयत्न जारी है। कुछ कंसल्टेंट्स को भी मैंने बुलाया है, कैसे हमारे अधिक से अधिक जवानों के लिए यह हाउसिंग की सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, उस संबंध में भी मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा हूँ। कड़ाके की ठंड में भी बीओपी पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सुनिश्चित करने के लिए बीओपीज बननी चाहिए, इसके लिए लद्दाख में एक मॉडल बीओपी भी बनाई जा रही है। यदि यह मॉडल बीओपी सफल रहती है तो इसकी सफलता के बाद सिक्किम और ईस्टर्न सेक्टर में भी इसी प्रकार की बीओपी लगाई जाएंगी, जहां पर की 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सदैव कायम रहे। मेरे बहादुर जवानों, आपकी सीमा पर पेट्रोलिंग, यह पेट्रोलिंग करना कितना कठिन काम होता है, इसको भी मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। बर्फ जमी होती है, उस बर्फ पर चलना और जाकर अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना कितना दुष्कर कार्य है, यहां बैठकर कोई उसका अनुमान नहीं कर सकता। सरकार ने यह फैसला किया कि वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए स्नो स्कूटर की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। अब भारत सरकार ने स्नो स्कूटर की सुविधा भी प्रॉपर पेट्रोलिंग के लिए मुहैया कराना प्रारंभ कर दिया है। मैं जानता हूं इसकी कमी है और अधिक स्नो स्कूटर्स की आवश्यकता है, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी और स्नो स्कूटर्स आपको मुहैया कराए जाएंगे। और जिन कैंप्स में आप रहते हैं, उनमें सुधार करने के लिए मॉडल कंपोजिट बीओपीज भी इसमें बनाई जा रही हैं। 35 बीओपीज के अपग्रेडेशन का काम भी इस समय शुरू कर दिया गया है। रोड और मोबाइल कनेक्टिविटी की भी कठिनाइयां हैं, यह भी मैं जानता हूं, और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी आपके लिए है। रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, सैटेलाइट कनेक्टिविटी,
यह सब सारी कनेक्टिविटीज की भी प्रॉब्लम है, इससे भी हम अवगत हैं, उनको भी हल करने की कोशिश की जा रही है। हाल में ही जब मैं माना गया था, रिमखिम गया था उत्तराखंड में और लपथल में गया था, तो वहाँ के जवानों से मैंने पूछा कि सबसे बड़ी कठिनाई इस समय आपको क्या उठानी पड़ती है, तो हमारे जवानों ने कहा कि साहब महीने गुजर जाते हैं, हम अपने परिवार के लोगों से बात करना चाहते हैं, परिवार के लोग हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मोबाइल कॉल की दर इतनी ऊंची हो गई है कि हम चाहते हुए भी अपने परिवारजनों से बात नहीं कर सकते।